99.9 किलोमीटर पर लीटर। सच में मतलब ये देख के किसी का भी होश उड़ने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एटू जेड कार सर्विस की इस वीडियो में। मैं अभिजीत, और आज का वीडियो में मैं कस्टमर का एक बहुत ही कॉमन कंसर्न, जो कि ना कि सिर्फ एक कस्टमर ने बल्कि बहुत सारा कस्टमर ने ये आके क्वेश्चन कर लेता है, क्योंकि उनके पास इसका सही जवाब या सही आंसर शायद इन दैट टाइम नहीं रहता है। और ये थोड़ा सा बाकी गाड़ियों से थोड़ा डिफरेंट भी है। एक्चुअली क्लस्टर मीटर में ये जो फीचर्स आपने ऑलरेडी देखा, 99.9 किलोमीटर पर लीटर दिखा रहा है, तो ये देख के किसी को भी लग सकता है कि शायद ये क्लस्टर मीटर खराब हो गया या गाड़ी के अंदर कुछ मतलब अलग ही चल रहा है। तो क्यों ऐसा होता है और ये किस लॉजिक के ऊपर बेस करके आपका क्लस्टर मीटर इतना दिखा रहा है, क्या क्लस्टर मीटर का प्रॉब्लम है या फिर ये नॉर्मल है, वो सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अब दोस्तों, ये गाड़ी का क्लस्टर मीटर है, और अभी क्लस्टर मीटर में आपको बहुत सारा फीचर मिल जाता है। वैसे इस गाड़ी में फीचर फिर भी बाकी गाड़ियों से थोड़ा कम ही है, बट फिर भी देखिए इसमें कितना सारा ऑप्शन है। पहले तो देखिए यहाँ पे ये जो एक बटन है, ये अगर आप क्लिक करते तो ये डिस्प्ले का पॉइंट चेंज होगा। मतलब अभी जैसे कि ये दिखा रहा है 14 किलोमीटर पर आवर स्पीड में गाड़ी चला है, लास्ट जो चला है गाड़ी वो 14 किलोमीटर पर आवर स्पीड में चल रहा है। ये माइलेज नहीं है, पर आवर एच। अब अगर इसको एक बार प्रेस करेंगे तो देखिए ये दिखा रहा है कि टोटल मेरा गाड़ी 12 मिनट चला है अभी तक। ये 12 मिनट में गाड़ी का स्पीड क्या था, 14 किलोमीटर पर आवर स्पीड। अब फिर एक बार दबाया तो ये दिखा रहा है मैंने 2.7 किलोमीटर ट्रिप ए में गाड़ी को रन किया। इसके बाद क्लिक किया, ये ट्रिप बी भी सेम दिखा रहा है क्योंकि मैंने इसको अलग से सेट नहीं किया। ये दिखा रहा है टोटल गाड़ी कितना किलोमीटर चलेगा, इतना जो फ्यूल है उसमें गाड़ी 487 किलोमीटर चलेगा। इसके बाद आता है 17.9 किलोमीटर पर लीटर, ये मेरा माइलेज है, एवरेज माइलेज। ये जो 14 किलोमीटर मेरा चला उसमें अभी गाड़ी 17.7 हो गया, क्योंकि गाड़ी मेरा स्टार्ट है और खड़ा है। तो ये जो मैंने 2-3 किलोमीटर चलाया इसमें मेरा माइलेज मिला 17.6 हो गया। अभी जैसे खड़ा रहेंगे तो धीरे धीरे करके ये गिरता रहेगा, क्योंकि मैंने डिस्टेंस कम ट्रैवल किया और टाइम भी कम ट्रैवल किया, इसीलिए ये इतना क्विक फ्लैक्चुएट हो रहा है। अब इसके बाद ये जो पॉइंट है, ये देखिए अभी मेरा गाड़ी खड़ा है तो ये इंस्टेंट माइलेज दिखाता है। एक्चुअली इससे पहले वाला जो था वो था एवरेज माइलेज, मैंने टोटल जो किलोमीटर चलाया उसके ऊपर मेरा एवरेज कितना माइलेज निकल के आया, बट ये है इंस्टेंट माइलेज। जैसे कि अभी गाड़ी मेरा खड़ा है आइडल में, तो इसीलिए ये यहाँ पे डॉट डॉट लाइन आ रहा है। अब जैसे मैं गाड़ी को चलाऊंगा उस हिसाब से मेरा एक्सीलरेशन जिस हिसाब से होगा उसके ऊपर डिपेंड करके यहाँ पे दिखाएगा इंस्टेंट कितना माइलेज आ रहा है। अब देखिए मैं आपको ये गाड़ी रन करके दिखाता हूँ। अब देखिए मैं अभी तक यहाँ पे 9.4 से शुरू हुआ, अभी मैं एक्सीलेटर को दबाया तो जैसे मैं एक्सीलेटर दबा रहा हूँ तो देखिए ये 7.5 तक चला आया, बट जैसे मैं गियर चेंज करने के लिए एक्सीलेटर छोड़ के देखिए अभी एक्सीलेटर फिर दे रहा हूँ तो ये 27। जैसे मैं एक्सीलेटर छोड़ दिया अब देखिए ये माइलेज जो है, फिर मैंने ब्रेक कर दिया और 99 हो गया। तो इसके पीछे की जो लॉजिक है आई ये आपको समझ में आ रहा है। जब मैं एक्सीलेटर को दबा रहा हूँ, अब मैं एक्सीलेटर दबा रहा हूँ, अब देखिए 6.9 हो गया। जैसे गियर चेंज करने के लिए मैंने एक्सीलेटर छोड़ा फिर देखिए 7.2। तो ये इंस्टेंट माइलेज एक्चुअली बता रहा है। मैं जैसे जैसे एक्सीलेटर करूंगा तो ये फ्यूल इंजेक्ट होगा और तब मेरा यहाँ पे माइलेज कम शो करेगा, लेकिन जैसे ही मैं एक्सीलेटर से, अभी देखिए मेरा गाड़ी एक नॉर्मल स्पीड पे चलाया, तो मैं अभी इस कंडीशन में क्या करूँगा, इसका एक्सीलेटर एकदम जीरो, मतलब पेडल से पैर मैंने हटा दिया। अब देखिए ये माइलेज हुर हुर करके एकदम मतलब 99.9 पे चलाया, क्योंकि इस कंडीशन में अभी मैं इसमें कोई भी इंजेक्शन एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूँ, जो स्पीड में जो रिदम में गाड़ी चल रहा है बस उसी रिदम में मैंने गाड़ी को छोड़ दिया। अब जैसे फिर अगर इस कंडीशन में मैं एक्सीलेटर वापस प्रेस करता हूँ, क्योंकि मेरा स्पीड रिड्यूस हो रहा है, अब मैंने फिर स्पीड बढ़ाने के लिए एक्सीलेटर किया, ये देखिए फिर मेरा माइलेज इंस्टेंट गिर गया 11.3। फिर जोर से अगर दबाया
अब छोड़ दिया मैंने, अब देखिए फिर 99 हो गया। अभी मेरे पास ये दूसरा मॉडल का गाड़ी है जिसमें क्लस्टर आप देख सकते हैं, तो इसमें मैं पहले आपको दिखाता हूँ। पहले मैं इसको रीसेट करके ज़ीरो कर दिया। अब देखिए यहाँ पे जो फ्यूल इकोनॉमी है एवरेज, एक यहाँ पे ऊपर अभी जो डॉटेड लाइन दिख रहा है ये होगा एवरेज टोटल जो चला रहा हो उसके ऊपर, और नीचे जो दिख रहा है वो है इंस्टेंट। अभी जैसे कि मेरा 20 के करीब है इंस्टेंट जो माइलेज है, ये 20 के करीब अगर ऐसे में चला रहा हूँ और ऐसे ही अगर चलाता रहूँगा तो ये 20 के करीब देगा, तो ये थोड़ा देर चलने के बाद ऊपर एवरेज चला आएगा। अब मैंने बीच में देखिए थोड़ा सा ये 30 हो गया, अभी भी 30 पे है, मतलब मैं एक्सीलेटर एकदम नहीं दे रहा हूँ, तो इसीलिए स्पीड और आरपीएम दोनों को आप साइड में देखिए। अब जैसे मैं एक्सीलेटर दिया तो देखिए फिर से ये नीचे चला आया, बट एवरेज जो आया ऊपर दिखा रहा है 16.8। अब अगर ऐसे मैं धीरे धीरे चलाता रहूँगा तो मेरा गाड़ी का जो माइलेज है वो इस तरह से अप डाउन हो रहा है। अब मैं फिर एक्सीलेटर दिया, देखिए माइलेज मेरा इंस्टेंट वाला माइलेज जो है एकदम फटाक से गिर गया। अब जैसे मैं एक्सीलेटर से पैर हटा दिया तो देखिए ये 30 पार कर गया। नीचे वाला जो है ये इंस्टेंट दिखाता है और इसमें 30 तक का काउंटिंग है, तो इसीलिए ये 30 के बाद दिखा नहीं रहा है। बट जो गाड़ी में इसके बाद है, जैसे कि आप देखें कि 99 दिखाता है, तो उसमें बस ये डिजिट उतना तक दिखाने का है इसीलिए दिखा रहा है। अभी मैं आरपीएम नहीं दिया बिल्कुल, तो इसीलिए देखिए ये 30 में ही दिखा रहा है, शो कर रहा है। अब फिर मैं जैसे एक्सीलेटर देता हूँ, ठीक है, आई होप कि आपको ये जो फंडा है ये एटलीस्ट समझ में आ गया हो। अभी मैंने जो ये टोटल गाड़ी को रोड में चलाया वो देखिए यहाँ पे 17 किलोमीटर पर आवर स्पीड में था मेरा गाड़ी, टोटल 20 मिनट चला है, 6 किलोमीटर मैंने रनिंग किया, 3 BB सेम है, और ये अभी भी 487 दिखा रहा है, और 18.2 किलोमीटर पर लीटर का मेरा एवरेज माइलेज मिला ये टोटल 6 किलोमीटर में। अगर आपको इस रिसेट करना है तो इसको प्रेस करके रखिए, सब रिसेट हो जाएगा, लेकिन ये वाला आप रिसेट करना नहीं है, गाड़ी जैसे ही आइडल होगा तो ऑटोमेटिक ये डॉटेड लाइन दिखाएगा। बाकी सबको मैं फिर से रिसेट कर देता हूँ।